हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बनाएंगे मिक्स पकौड़े तो इसके मैंने चार चम्मच बारीक बेसन लिया है ये चार बड़े चम्मच है इसमें मैं एक छोटी चम्मच नमक डालूंगी आधी छोटी चम्मच मिर्ची डालूंगी और एक छोटी चम्मच पिसी हुई सौफ डालूंगी सौफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब मैं इसमें आधा कप पानी डाल करके इसको मिक्स कर लूंगी आप देख सकते हैं इसको मैं अच्छे से हाथ से मिक्स कर रही हूँ हम इसका एक बैटर बनाना है हम अभी आधा ही पानी डालेंगे और जैसे ही थोड़ा सा बैटर मिक्स होगा तो हम आधा कप पानी इसमें और डालेंगे इसमें टोटल में वन कप पानी जाएगा और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से जो भी लम्स हैं वो इजीली निकल जाते हैं कोई लम्ब पड़ते नहीं है इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये एकदम स्मूथ बैटर बन जाएगा अब देख सकते हैं ये बैटर अभी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक रहती है जिससे कि जो भी हम डालेंगे इसके अंदर वो अच्छे से कोट हो जाए और वो निकले ना ये हमारा आलू है मिर्ची है और बैंगन है आलू और बैंगन को स्लाइस करके रखा है और मिर्ची को हमने काट रखा है तो ये आलू के जो स्लाइसेस हैं वो हमने बैटर के अंदर डाल दिए हैं और इसको हम तेल के अंदर डालेंगे तेल जो है वो गर्म रहेगा और जैसे ही थोड़ा सा जो हमारा पावा है वो इसके अंदर डल जाएगा आलू मिर्ची और बैंगन का हम तेल को सिम कर देंगे जिससे कि अंदर से अच्छे से पक जाए तो जब डालेंगे हम पकौड़े तब तेज जो हमारा जो तेल है वो तेज आज पे रहेगा यानी गैस फुल रहेगी और जैसे ही वो थोड़ा डल जाएगा तो हम उसको सिम पे कर देंगे आप देख सकते हैं इसमें ये बैंगन भी डाल दिया है बैंगन के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं और ये हमारे पकौड़े ऑलमोस्ट रेडी हैं इनका अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और अभी हम इनको निकाल लेंगे हम इसको एक टिश्यू पेपर की प्लेट में निकालेंगे जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छे से हट जाएगा और हम ऊपर से इसमें चाट मसाला डालेंगे फॉर स्पाइसी एंड टैंगीनेस और ये हमारे मिक्स पकौड़े रेडी हैं अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो बाय